मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी ये रहती है। पर रियर डिफॉगर वगैरह कुछ नहीं मिलता, फुली डिजिटल आपको इसका मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी अल्टो K10 का। गाइस तो मारुति सुजुकी अरेना के द्वारा ये बेची जाती है। गाइस इसका रिव्यू करेंगे। एंट्री सेगमेंट में ये गाड़ी आती है। गाइस इसके नीचे कोई भी गाड़ी जो नहीं आती, 800 थी वो डिसकंटिन्यू इन्होंने कर दी है। इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि बहुत ही बजटेड गाड़ी ये आती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी ये रहती है। फ्रंट में गाइस यहाँ पर आपको फुली हैलोजन सेट आइटिस में दी गई है। हैलोजन ही आपको इंडिकेटर्स में मिलता है। गाइस थोड़ी सी डॉट आपको यहाँ पर डिज़ाइन के तौर पर जो है दे रखे हैं। बीच में आपको छोटी सी लाइट जो देखने के लिए इसमें मिल जाती है। गाइस सेंटर में आपको यहाँ पर सुजुकी का लोगो दे रखा है। नीचे आपको इसकी पूरी 3D ग्रिल, मैट फिनिश में 3D ग्रिल मिलती है। गाइस लाइसेंस प्लेट के लिए आपको जगह यहाँ पर दे रखी है। नीचे आपको इसकी रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। आगे गाइस कोई भी पार्किंग सेंसर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। हॉर्न प्लेसमेंट इन्होंने यहाँ पर कर रखी है। गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पर भी आपको सेम हैलोजन लाइट का जो है सेटअप इसमें देखने के लिए मिल जाता है। गाइस साइड से हम लोग बात करें तो आपको इसमें चीके के टायर मिलते हैं। साइज़ की बात करें तो 145/80R 13 इंच के आपको व्हील कैप के साथ जो है इसके टायर मिलते हैं। गाइस अलॉय व्हील वगैरह का इसमें ऑप्शन नहीं आता। आगे डिस्क और रियर में आपको इसके ड्रम ब्रेक मिलती है। सेंटर पर आपको जो है हैलोजन में इंडिकेटर दे रखा है। इसका ORVM आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। गाइस मैट ब्लैक में यहाँ पर आपको बॉडी कलर इसका जो मिल जाता है, डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको मैनुअल की लगाने के लिए जो है गाइस प्रोविज़न भी इसमें मिल जाती है। ऊपर आपको कोई भी जो है रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती। थोड़ा सा जो कर्वी डिज़ाइन इसमें गाइस दे रखा है, नॉर्मल वाला आपको जो है रेडियो एंटीना इसमें मिलता है। नीचे हम बात करें तो कोई भी क्लाइडिंग वगैरह आपको नहीं मिलते। नॉर्मल आपको जो वाइट कलर इसका बॉडी कलर मिलता है वही आपको मिलता है। गाइस इसमें रियर में हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी VXI प्लस मॉडल लगा जिसमें कोई भी आपको वाइपर रियर डिफॉगर वगैरह कुछ नहीं मिलता। हैलोजन में आपको पूरी इसकी टेल लाइट मिलती है। इंडिकेटर रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर दे रखी है। दो आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। गाइस यहाँ पर आपको लाइसेंस प्लेट के लिए जगह इसमें दे रखी है। सुजुकी का लोगो, मैनुअल की लगाने के लिए आपको यहाँ पर जो है इसका प्रोविज़न दी गया। अल्टो K10 की बैजिंग कर रखी है। गाइस ऊपर आपको मिल जाता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप। जो बूट वगैरह खोलने के लिए गाइस ऑप्शन है वो आपको आगे में ड्राइवर वाली सीट के नीचे जो है लीवर इसका मिलता है, उसको दबा करके आप इसे यहाँ से जो बूट है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे भी VXI+ वेरियम में जो है मिल जाती है। गाइस नीचे आपको टूल किट इसमें दे रखी है। स्पेयर टायर की बात करें तो आपको इसमें 13 इंच का गाइस स्पेयर टायर इसमें मिलता है। गाइस कोई भी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर नहीं कर रखी। 214 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। लाइट वगैरह आपको इसमें नहीं मिलती। गाइस ठीक ठाक सा आपको डिसेंट जो है स्पेस मिलता है। जो सीट है गाइस वो आपको मिलती है बेंच फोल्डिंग में। कोई भी 60/40 वगैरह का आपको ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। ऐसे आप मैनुअली जो है बूट को बंद कर सकते हो। इंटीरियर में चलते हैं गाइस। इंटीरियर में जाने से पहले जो इसका गाइस फ्यूल टैंक का वो आपको मिलता है 55 लीटर का। काफ़ी अच्छा खासा आपको फ्यूल टैंक इसमें देखने के लिए मिलता है। इंटीरियर में चलते हैं गाइस। इंटीरियर में जाने से पहले चाबी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इसकी जो है एक कीलेस एंट्री वाली आपको चाबी मिल जाती है। यहाँ पर रिमोट जो सेंटर लॉक आपको इसमें मिलता है और एक नॉर्मल वाली चाबी आपको इसमें दे रखी है। गाइस इंटीरियर में चलते हैं गाइस तो देखते हैं क्या कुछ आपको कंपनी इसमें दे रही है इंटीरियर में। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो इस साइड आपको डोर अनलॉक के हैंडल इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी एक पकड़ने के लिए हैंडल सा दे रखा है। नीचे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है गाइस और थोड़ा सा कॉइन वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस दे रखा है। इस साइड आपको एसी वेंट मिल जाते हैं जिसका सराउंडिंग एरिया आपको मिलता है साटन फिनिश में। यहाँ से आप जो है ORVM में इसके एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करने पड़ेंगे गाइस। यहाँ पर आपको मिलता है इसका स्टेयरिंग व्हील 3-स्पोक वाला। यहाँ से आप इसका जो है इन्फोटेनमेंट स्क्रीन जो है उसे कंट्रोल कर सकते हो गाइज। म्यूट अनम्यूट वगैरह जो कर सकते हो। कॉलिंग के कंट्रोल आपको इस साइड मिल जाते हैं गाइज। स्टेयरिंग जो आप टिल्ट टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं कर सकते। फुली डिजिटल आपको इसका मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको स्पीड शो होती है। फ्यूल की वार्निंग यहाँ पर आपको जो है मिल जाती है। इंजन की वार्निंग वगैरह, सीट बेल्ट की और पार्किंग ब्रेक की वार्निंग वगैरह आपको मिल जाती है। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रिप वगैरह जो दे रखी है, यहाँ से आप ट्रिप A/B वगैरह जो एवरेज वगैरह गाइस वो निकाल सकते हो। एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। सुजुकी का लोगो इसके ऊपर आपको मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक आपको पूरा मिलता है। AC वेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर मिलती है वही जो गाइस मारुति में बलेनो वगैरह में आ रही है शुरू से, 8 इंच की डिस्प्ले। जो इसका इंटरफेस है गाइस वो सेम आपको मिलता है वही बलेनो वाला जो 2019 से कंटिन्यू हो रहा है इसमें। यहाँ पर आपको हजार लाइट के कंट्रोल, यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं गाइस।
अप डाउन आप कर सकते हो। मैनुअली आपको इसमें एसी मिलता है, कोई भी आपको ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। 12V का चार्जिंग सॉकेट आप यहाँ पर लगा सकते हो गाइस। और इस साइड आपको मिलता है USB लगाने के लिए पोर्ट, और ऑक्स का पोर्ट भी आपको इसमें दे रखा है। थोड़ा सा स्पेस आपको दे रखा है गाइस यहाँ पर। दो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर कप होल्डर, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी गाइस आपको इसमें मिल जाता है। मैनुअली आपको मिलती है हैंड ब्रेक, सीट बेल्ट लगाने की प्रोविजन भी आपको यहाँ पर दे रखी है। सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक वाली सीट्स मिलती हैं, ठीक ठाक सा आपको जो है कम्फर्ट इसमें गाइस मिल जाता है देखने के लिए। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं सनशेड, जिसमें आपको कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता। इस साइड आपको मिल जाती है सेंटर में हैलोजन लाइट। मैनुअली आपको IRVM मिलता है गाइस, जो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर आपको मिल जाता है इसका माइक। यहाँ पर AC वेंट दे रखा है। एयरबैग की बैजिंग यहाँ पर भी कर रखी है गाइस। ग्लव बॉक्स की बात करें तो डिसेंट सा आपको ग्लव बॉक्स इसमें देखने के लिए मिल जाता है गाइस। स्पीकर की प्लेसमेंट हालांकि नीचे इन्होंने कर रखी है गाइस। सीट्स की बात करें तो आप मैनुअली जो एडजस्ट कर सकते हो सीट्स की, हालांकि हाइट वगैरह का आपको इसमें सिस्टम नहीं मिलता एडजस्ट करने के लिए। लंबर स्पोर्ट वगैरह आप इसका जो एडजस्ट कर सकते हो गाइस। यहाँ से हम नीचे बात करें तो आपको जो है बूट खोलने के लिए और उनके लिए आपको एक लीवर इसमें दे रखा है गाइस खोलने के लिए। रियर में चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या कुछ कंपनी आपको इसमें रियर में दे रही है। रियर में गाइस आ चुके हैं तो देख सकते हो आप, आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट की हुई है। स्पेस गाइज आप देख सकते हो काफ़ी डिसेंट आपको स्पेस दिया गया है। लेग स्पेस बहुत अच्छा है, थाई स्पोर्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है गाइज। अगर हम हेड स्पेस की बात करें तो डिसेंट सा आपको हेड स्पेस इसमें दिया गया है मेरी हाइट के हिसाब से गाइज। 5'6" मेरी हाइट है तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें जो है हेड स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको फिक्स ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, डोर अनलॉक के हैंडल। मैनुअली आपको यहाँ पर जो है विंडो के कंट्रोल मिलते हैं गाइज। आगे वाले दो आपको जो है ऑटोमेटिक मिलते हैं। यहाँ पर जो है डोर बंद करने के लिए आपको हैंडल दे रखा है। फ्रंट सीट्स के जो हेडरेस्ट है वो फिक्स मिलते हैं गाइस, और रियर के भी आपको फिक्स ही मिलते हैं। कोई भी आपको आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। रियर में कोई भी AC वेंट वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं दिया। स्पीकर रिप्लेसमेंट आपको वहां पर गाइस मिल जाती है देखने के लिए। यहां पर आपको पीछे पार्सल ट्रे दे रखी है गाइस। तो इंजन की बात करें तो आपको इसमें वही 1.0 लीटर का जो K10 सीरीज का इंजन आपको इसमें मिलता है। इंजन को खोलने के लिए गाइस आपको लीवर जो है वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ से आप इसका जो बोनट जो है खोल सकते हैं। यहाँ पर मिलता है गाइस आपको वही 1.0 लीटर वाला पेट्रोल इंजन, जो पावर निकालता है 55 BHP और 80 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है। अंडरबॉडी गार्ड आपको इसमें नहीं मिलता गाइस। बैटरी रिप्लेसमेंट यहाँ पर कर रखी है। इंसुलेशन के लिए कोई भी आपको कार्डबोर्ड वगैरह जो लगाकर नहीं दिया। हालांकि गाड़ी गाइस पहले से बहुत ही स्मूथ कर रखी है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपको दो एयरबैग इसमें मिल जाते हैं, ABS, EBD आप जो फीचर वगैरह इसमें मिल जाते हैं गाइस। सस्पेंशन वगैरह की गाइस इसकी बात कर लेते तो आपको इसमें 3530 mm की इसकी लेंथ मिलती है गाइस, देख सकते हो। हालांकि जो पहले ऑल्टो K10 आती थी उससे छोटी है इसकी लेंथ। 1490 mm की आपको इसकी चौड़ाई मिलती है गाइस, और जो हाइट मिलती है 1520 mm की आपको इसमें हाइट दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दे रखा है गाइस। काफ़ी ऊंचा ये नीचे से लगता है ग्राउंड क्लियरेंस, आप देख सकते हो 160 mm का आपको इसमें मिलता है गाइस ग्राउंड क्लियरेंस। प्राइस की बात करें तो 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक इसका ऑन रोड प्राइस जाता है गाइस, क्योंकि ये बजट गाड़ी है गाइस। एंट्री सेगमेंट में आती है, मारुति सुजुकी अरेना के अंदर ये बेची जा रही है। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।